और मैं हूँ आपके साथ नेहा। सबसे पहले तो आपका स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। बता दें आपको कि आज कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 19वां दिन है और यहाँ पर जिस दिन पहले दिन से राहुल गांधी ने यात्रा शुरू करी उसी दिन से वो किसी न किसी चीज को लेकर हमेशा ट्रोल हुए हैं। सबसे पहले दिन वो यहाँ अपनी टी शर्ट को लेकर ट्रोल हुए थे, उसके बाद अपने जूतों को लेकर, उसके बाद अपनी घड़ी को लेकर। माना कि यहाँ राहुल गांधी अगर कुछ भी पहनते हैं उसको लेकर वो हमेशा ट्रोल हो जाते हैं। बीजेपी यहाँ इसी चीज पर नजर रखती है कि राहुल गांधी ने आज क्या पहना। देखिए आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी की और विपक्षी पार्टियों की भारत जोड़ो यात्रा पर पूरी नजर टकटकाई टकटकी वो लगाए बैठे हैं कि आखिर उनको क्या मौका चाहिए जिससे वो ट्रोलिंग करे कांग्रेस की है भारत जोड़ो यात्रा। अगर उनको कुछ नहीं मिलता है तो वो उन कंटेनर्स को उठाने लगते हैं, कंटेनर्स का मुद्दा उठाने लगते हैं, जिन कंटेनर्स में तमाम विधायक कार्यकर्ता रात को वहां ठहर कर खाना खाते और सोते हैं। बताइए ये भी कोई मुद्दा है उठाने का? क्या बीजेपी के पास कोई और मुद्दा नहीं बचा है कि अब वो यहाँ पर विश्राम करने वाले कंटेनर्स को मुद्दा बनाकर उठाने लग गए? इसी बीच आपको बताते चलें कि यहाँ बीजेपी ने राहुल गांधी को लेकर एक ऐसा ट्वीट किया था जिसको लेकर वो खुद ही फंस गई और थोड़ी देर बाद यहाँ पर वो ट्वीट डिलीट भी कर दिया। यानी कि ये चीज मान लेनी चाहिए कि बीजेपी को यहाँ पर खुद ही इतना ज्यादा गिल्ट फील हुआ कि उन्होंने राहुल गांधी को लेकर जो ट्वीट किया था वो खुद ही डिलीट कर दिया। और देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि राहुल गांधी को लेकर यहाँ इतना ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि बीजेपी यहाँ अपनी गुजरात चुनाव पर ध्यान नहीं दे रही है, यहाँ भारत जोड़ो यात्रा में ध्यान दे रही है कि राहुल गांधी क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं और क्या सो रहे हैं, कहाँ पर सो रहे हैं, इन्हीं चीजों पर ध्यान दे रही है। भारत जोड़ो यात्रा कब होगी, कितने दिन और लगेंगे, कितने दिन और चलेगी। लेकिन आपको यहाँ पर बता दें कि बीजेपी ने एक ऐसा ट्वीट किया और ट्वीट के बाद वो खुद ही फंस गई और उस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया। यानी कि यहाँ पर ये मान लेना चाहिए कि बीजेपी अब कांग्रेस पार्टी से कहीं ना कहीं गिल्ट फील कर रही है खुद को और यहाँ राहुल गांधी के खिलाफ जो ट्वीट किया था उस ट्वीट को डिलीट कर यहाँ बीजेपी ने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा SPN9 न्यूज के साथ। धन्यवाद।